हाय फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज संग्राम सिंह। दोस्तों, आज के इस ब्लॉग का टाइटल देख के आपको पता तो चल गया है कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, कोरोना वायरस COVID-19। हम इंडियंस ने इसके ऊपर बहुत सारे फनी मीम्स बना लिए, इसके ऊपर बहुत सारे कॉमेडी वीडियोस, टिकटॉक वीडियोस सब बना लिए, इसकी कॉलर ट्यून का मजाक तक उड़ा लिया। लेकिन अब बारी है कि हम इसके साथ समझदारी से और बिना डरे डील करें। लेकिन क्यों? क्योंकि जैसे हम सभी लोगों को पता है, इस वायरस का जन्म हुआ चाइना में। ये इटली गया, बहुत सारी जगहों पर गया, और तब हमें लगा कि ये तो बहुत दूर है, ये इंडिया में नहीं आएगा। लेकिन ये इंडिया में आया। फिर हमें लगा इंडिया में तो आ गया, ठीक है, हमारे स्टेट में नहीं आएगा। लेकिन ये हमारे स्टेट में भी आ गया। फिर हमें लगा कि हमारे घर या हमारे ऑफिस, हमारी जो जॉब है वहाँ के आसपास की बिल्डिंग में या हमारे दोस्तों को किसी को नहीं होगा। लेकिन अब हम धीरे धीरे गलत साबित हो रहे हैं। मैं रहता हूँ घनसोली नवी मुंबई महाराष्ट्र में, और मैं काम करता हूँ एरोली। यहाँ पर माइंडस्पेस करके एक जगह है जहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स है, ऑफिशियल एरिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 पता नहीं कितनी सारी बिल्डिंग्स है वहाँ पर। कल रात हमारे ऑफिस का एक ग्रुप है, ऑफिशियल ग्रुप, उसमें एक वीडियो पोस्ट किया किसी ने यूट्यूब का, जिसमें हमारी जो ऑफिस है बिल्डिंग नंबर 3, उसके पास में बिल्डिंग नंबर 11 है, वहाँ पर का एक वीडियो था कि एक बंदे को कोरोना वायरस हुआ है, वो भी COVID-19, जो कि जानलेवा है, और ऑफिस की क्लीनिंग वगैरह। एकदम छोटा सा क्लिप था 25 सेकंड्स का। तभी तो मुझे ऐसा लगा कि बस कुछ क्लीनिंग वगैरह चल रही है सब जगह पर, कोरोना वायरस का डर फैला है इसलिए कुछ क्लीनिंग चल रही है। लेकिन आज जब मैं यहाँ पर थाने में कुछ काम से गया, तो सुबह सुबह मुझे एक मेरे फ्रेंड ने मैसेज किया, जो ऑफिशियल साइट है महाराष्ट्र की, वहाँ पर बताया कि अब कोरोना वायरस इन महाराष्ट्र, माइंडस्पेस एरोली नवी मुंबई टू बी इवैक्यूएटेड एंड बीइंग सैनिटाइज्ड आफ्टर वन एम्प्लॉय ऑफ मेजेस्को फाउंड COVID-19 पॉजिटिव एज पर रिपोर्ट्स। कंपनी है मेजेस्को करके, वहाँ पर एक बंदा, एक एम्प्लॉय, उसे पॉजिटिव पाया गया COVID-19। डरना नहीं है, बस सावधान होना है और सतर्क होना है, जैसे बताया जाता है साउदर्न इंडिया में। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं कहाँ पर काम करता हूँ, और इसके बारे में हम लोग कुछ और भी चीजें डिस्कस करेंगे। सो स्टे देयर, लेट्स गो। सो दिस इज माइंडस्पेस व्हिच इज इन एरोली ईस्ट, एरोली स्टेशन, यहीं पर पास में 5-10 मिनट की दूरी पर। और मेरा जो ऑफिस है गैप हेल्थ केयर सॉल्यूशन, वो है यही अंदर बिल्डिंग नंबर 3 में, और जहाँ पर वो बंदा पाया गया है कोरोना वायरस COVID-19 से पॉजिटिव, बिल्डिंग नंबर 11 में है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं इसके बारे में पहले व्लॉग बनाने वाला था, लेकिन मैंने बोला कि जान ले यार, सीरियस मुद्दे को लेकर व्लॉग बनाना, अगर कुछ गलत बोल दूं लोगों के पास गलत मैसेज पहुंचेगा। लेकिन जब अभी ये चीज इतनी बढ़ गई है, तो इस बारे में बात करना तो बनता है। जो लोग है यहाँ पर आसपास में, नवी मुंबई के लोग है, तो इस बारे में बताना जरूरी है कि भाई ये चीज अब नवी मुंबई में भी आ चुकी है, थाने में भी हुई थी पहले, अभी एरोली में आ चुकी है, और धीरे धीरे इट इज एंटरिंग इन नवी मुंबई। तो हम नवी मुंबई का उसको बहुत अच्छे से, बहुत समझदारी के साथ इसके ऊपर काम करना। वैसे तो नवी मुंबई बहुत साफ सुथरा एरिया है, मैं अभी तो फिलहाल जाते घर पे, और घर पे जाकर बातचीत करते हैं और इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं। क्योंकि कल रात से, जब से हमारे ऑफिस के ग्रुप में ये मैसेज पास आउट हुआ है, जब से ये वीडियो भेजा गया, तब से सारे लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं और बहुत सारी चीजें पूछ रहे हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें। सो लेट्स टॉक एट होम नाउ। तो फाइनली हो गया है 2:35, और अभी मैं पहुंच गया हूँ घर पे। हमारे घर में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जब घर में छोटे छोटे बच्चे होते, 3 छोटे बच्चे फिलहाल, मेरा जो बच्चू मारा है, मेरा बेटा, वो तो गांव में, तो मेरी भतीजी है, मेरी तीन भतीजे हैं जो यहाँ पर ही है। तो घर में जब छोटे छोटे बच्चे होते और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए, हाथ मुँह पैर सब एकदम धोने के लिए। तब तक आप वो वीडियो देखो जो हमारे ग्रुप में शेयर किया गया था। एक्चुअली उस वीडियो में पहले आप वीडियो देखो, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ओके, तो फाइनली फ्रेश वगैरह एकदम हो गया और हाथ मुंह धो लिया, कड़कती कड़कती धूप में से आके इतना मजा आ रहा है फ्रेश होके, एकदम अलग ही सुकून मिल रहा है। और वही था वीडियो जो अभी आप लोगों ने देखा, जो कल रात को हमारे ग्रुप में शेयर हुआ था। इसमें एकदम स्पेसिफिकली बताया नहीं था, बस ऐसे एक बंदे ने ब्लॉग किया और अपलोड कर दिया। लेकिन आज जब सुबह मैंने आप लोगों को बताया, मैं गया थाने, वहाँ से आ रहा था, एक मैसेज आया, तो मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, और तब जाके कन्फर्म हुआ कि हाँ, ये जो न्यूज़ थी, जो वीडियो था, वो एक्चुअल में सही था। और मैंने ब्लॉग के स्टार्टिंग में इतना बोला कि अब बारी है सीरियस होने की, लेकिन जैसे ही घर में एंटर हुआ, फ्रेश होकर बाहर आया, मेरी भतीजी ने इतना हंसा, क्या बोलती तू, बोल बरा, क्या बोलती फिर कोरोना वायरस पूरा हवा से फुर हो जाएगा क्या, तो लुफट्टा हो जाएगा, फिर वो प्लेनेट में जाएगा, क्योंकि उसको प्लेनेट की भाषा नहीं समझ में आते, पर फिर चलो हो गया। पर कोरोना वायरस ऐसे नहीं भागता है, पता नहीं अभी न्यूज में देख रहे हैं, ऐसे करने की बात है। फिर जरूर इस वीडियो को जरूर लाइक करना, वो भी शाहरुख खान के लिए।
ये बच्चे को एक्चुअली देवी वर्ड जो हम लोगों को बचपन में होता था और कुछ लोगों को अभी भी होता है, जैसे व्लॉग के स्टार्ट में मैंने बताया था इस चीज़ को लेकर मजाक नहीं करेंगे, लेकिन मेरी भतीजी ने बताया और मुझे बहुत हंसी आई, तो मैंने बोला कि ये चीज़ आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, क्योंकि ये एक छोटी छोटी चीज़ है जो हमें ऐसे टाइम में भी खुशी देती है, हमें ऐसे टाइम में भी खुश रहना सिखाती है। और जब घर में बच्चे होते हैं तो माहौल कुछ अलग ही होता है, एक अलग ही ऐसी खुशी होती है। अब बात करते हैं मुद्दे की, तो अभी बात ये आती है कि हम क्या करें इस चीज़ को। अरे यार ये लड़की मुझे करने नहीं दे रही है ब्लॉग, ये इधर खड़ी है, मेरे को हंसी आ रहा है इसको देख देख के। छोटी जा तू खाली जा, छोटी जाओ आप नीचे जाओ, जाओ आप नीचे जाओ, जा खाली जा छोटी, जा छोटी खाली जा, जा बोला ऑनर में वीडियो बना रहा हूँ, जा मैं बोला तो तुला लास्टला हंस रही है, मुझे उसको देख देख के हंसी आ रही है। तो अब बात ये आती है कि हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर। देखो मुझे उतनी डीप नॉलेज नहीं है और मैं उनमें से नहीं हूँ कि हीरो बनने के चक्कर में आपको कुछ भी आड़ी टेढ़ी नॉलेज दे दूँ, कुछ भी बता दूँ। मैंने एक दो दिन पहले एक वीडियो देखा था, एक बहुत 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 ही अच्छा वीडियो देखा था, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या तो नीचे कमेंट बॉक्स में दिया होगा, आप जाकर वो वीडियो ज़रूर देखना इस व्लॉग को पूरा देखने के बाद। मैं ना उस बंदे को जानता हूँ कुछ नहीं, मैंने बस यूट्यूब पर उसकी वीडियो देखी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो आप लोगों तक पहुँचे, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरह उसने एक्सप्लेन किया था और बहुत ही डिटेल रिसर्च करके एक्सप्लेन किया था, और आप लोगों को उस वीडियो से जरूर हेल्प होगा। तो बस यही है, व्लॉग समाप्त करते हैं, बाय बाय, टेक केयर। एक बात हमेशा याद रखने का, टेंशन नहीं लेने का, फुल ऑन लाइफ जीने का, बाय बाय, टेक केयर।